भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला से किया गया। वहीं उन्होंने स्टेशन पर बने नए रिफ्रेशमेंट रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक नए कुली बने हैं, जिन्होंने 50 साल देश में राज करने पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बोझ उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है और उसे दोनों सदनों में पास कर दिया गया है, जिसके लिए भागलपुर की जनता प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती है। बात यह है कि आज ऐतिहासिक दिन है, महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश बधाई दे रहा है। भागलपुर की जनता की तरफ से हम लोग भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं और सब लोग अच्छा बधाई दे रहे हैं, लेकिन नए नए जो कुली बने हैं, वो पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। उनको ज़्यादा भार नहीं उठाना, 50 साल जब हुकूमत में थे तो आपने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। डिलिमिटेशन जनगणना होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कानून बन गया और कानून में लोकसभा में तो दो एमपी को सद्बुद्धि नहीं आई, ये थोड़ी होता है एमपी होने पे ज़्यादा अकल आ जाता है। दो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और उनके एक सांसद ने सिर्फ दो वोट खिलाफ में गया, बाकी सब लोगों ने साथ दिया। हम सब लोग पूरे बिहार की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा होगा, यहाँ आएंगे 5 तारीख को कैलाशपति मिश्रा जी के समारोह में, और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी आते हैं तो हमारे विरोधियों की जमीन हिलने लगती है, तो हम लोग उस तैयारी में लगेंगे। सेवा पखवाड़ा है, उस सेवा पखवाड़ा में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हम इस कार्यक्रम को अच्छे से करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिर से बिहार की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हैं। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है, हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में कुछ दिन पहले एक छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश को लेकर पीड़ित छात्रा के पिता ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेकर दोनों शिक्षक मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव को कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया था। वहीं सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुए छेड़खानी में प्रचार की संलिप्तता की जाँच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर आज
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम भागलपुर के समाहरणालय गेट कचहरी चौक पर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत है समाज को अब स्वयं जागने की, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसे स्कूलों में पढ़कर संस्कारहीन बनेगी, नशे की जद में आएगी और अभिभावकों को मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहना पड़ेगा या चुप रहकर ऐसे कुकृत्य का मौन समर्थन करना होगा। ये तथाकथित मिशनरी स्कूल जो शिक्षा और संस्कार के नाम पर हमारे समाज में कलंक है, शर्म ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और वहाँ के प्रबंधन का जो शिक्षा के नाम पर अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्ते कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर गिरफ्तार किया उसके ऊपर स्कूल प्रबंधक पर और इससे जुड़े कुछ दोषियों पर कार्रवाई हो, स्कूल पर ताला जड़ा जाए, जिस विद्यालय में नशाखोरी धर्मांतरण छेड़छाड़ का धंधा चल रहा है उसे बंद किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। मौके पर एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रकार से पूर्व दिनों जो है एक छात्रा के साथ दो शिक्षकों ने मिलकर जिस तरह से दरिंदगी की, उसके बाद से हम लोगों ने पुतला दहन करने का प्रयास किया, हमारी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से हम लोग जो है लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल भी हमारा पुतला दहन हुआ, आज भी हुआ। हमारी मांग है कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्ते कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर मुझे गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई हो, स्कूल पर ताला लगे, हमारी यही मांग है। और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन, यह हमारी मांग यही है। स्पष्ट रूप से जिस स्कूल में नशाखोरी का धंधा चल रहा है, जहाँ धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, जहाँ अगर देखेंगे बहन बेटियों का अपमान कराया जा रहा है, वैसे स्कूल के खिलाफ हमारी कार्रवाई की मांग है, अन्यथा विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, उस स्कूल पर कार्रवाई नहीं होगी, उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होगी जो परिषद के कार्यकर्ताओं पर, नियत्ते कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए। जिला कांग्रेस भवन भागलपुर में युवा कांग्रेस से कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार द्वारा की गई। बैठक में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, युवा कांग्रेस के बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ढिल्लो, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के इंचार्ज अमरदीप कुमार, युवा कांग्रेस के भागलपुर के प्रभारी तरुण पासवान द्वारा की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा जिला से लेकर बूथ तक युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का जड़ से सफाया कर देगी। बड़े लंबे समय से यहाँ सरकार अपने दम पे नहीं बना पाई, उसका कारण ये रहा है कहीं ना कहीं हम बूथ पे कमज़ोर हुए हैं, तो उन बूथ को मजबूत कैसे करना है ताकि 2024 में भी और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस मजबूती से बूथ स्तर के ऊपर यूथ को जोड़ के जो राहुल जी का मैसेज है, जो देश में फिरका प्रस्तावितों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मैसेज को, उस बात को हम अपनी जो बूथ तक अखीरली पंक्ति वाले लोग हैं उन तक पहुँचा सकें। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा पिछले दिनों पुलिस पदाधिकारी का प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें भागलपुर और नवगछिया जिला के कुल 132 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति दी गई थी, जिनमें से सब इंस्पेक्टर पद से इंस्पेक्टर पद पर भागलपुर से 29 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया है। वहीं नवगछिया में 3 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मिली है। वहीं पुलिस निरीक्षक के पद पर भागलपुर और नवगछिया में 45 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। वहीं सब इंस्पेक्टर पद पर 55 लोगों को प्रोन्नति मिली है, जिसको लेकर आज पुलिस लाइन में पदाधिकारियों को प्रदान किए गए उच्च स्तर पद पर कार्यकारी प्रभार के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सहित नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के द्वारा सभी प्रोन्नत हुए पदाधिकारियों को बैच लगाकर प्रोन्नति को लेकर बधाई दी गई। वहीं DIG ने कहा कि सभी प्रोन्नति पदाधिकारी अच्छा काम करें और आम लोगों के बीच परस्पर सहयोग बनाकर काम करें।
भागलपुर में दो दिवसीय 15वां राज्य स्तरीय बॉक्सिंग जूनियर व सब जूनियर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन सह व्यायाम शाला भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला खेल पदाधिकारी पूर्व मेयर वीना यादव, समाज सेवी विजय यादव, संतोष कुमार, जिया गोस्वामी के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम बिहार बॉक्सिंग संघ और जिला बॉक्सिंग संघ के तत्वाधान में कराई जा रही है, जिसकी मेजबानी भागलपुर कर रहा है। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के 21 जिलों के 42 टीम के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी रखी गई थी। इसमें बालक व बालिका वर्ग के मैच आयोजित हुए, जिसमें कई रोमांचक मैच रहे। पटना, शेखपुरा, सारण, बांका, भागलपुर, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के अलावे कई जिलों के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया। वहीं खेल प्रबंधन ने कहा कि इस राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो अव्वल रहेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका दिया जाएगा। साथ उन्होंने बताया कि कल पुरस्कार वितरण है, जो भी इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आयोजन में जिला खेल पदाधिकारी, समाज सेवी विजय यादव, पूर्व मेयर बीना यादव, संतोष कुमार, जिया गोस्वामी के अलावे जिला बॉक्सिंग समिति के सचिव, कई नेशनल खिलाड़ी और कई जिलों से आए सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद थे। आज ये 15वां बिहार स्टेट जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज उद्घाटन हुआ, और जिसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा अगर किसी ने लिया है तो वो समाज सेवी विजय यादव जी के द्वारा किया गया है। और पहले कहा गया था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ईश्वर ने मानव जीवन को विविध रंगों से सजाया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट, पढ़ लिख के ही आदमी बड़ा बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ के परचम फैला सकता है। और ज़िंदगी जीने का तो एक रोड मैप होना चाहिए, जिसे ज़िंदगी की दिशा और रास्ते का पता चलता है कि हम आगे किस रूप में जा रहे हैं। ये दिशा और दशा ये दोनों का ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता के द्वारा पता चल रहा है, और जिसमें 21 जिलों से प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं। 15वां बिहार स्टेट जूनियर सब जूनियर जो है ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज उद्घाटन हुआ अभी, और ये लगातार अभी से मैच ये कल तक चलेगी, और लगभग जो है पूरे बिहार से 21 जिलों से टीम आई हुई है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। और ये एक रास्ता है, यहाँ से ही जो है निकल के जो टीम चैंपियन बनेगी, जो प्लेयर अच्छा जो प्रदर्शन करेगी वो आगे जो है उसका नेशनल खेलने के लिए प्रस्थान करेगी वो। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, भागलपुर को मेजबानी मिली है, भागलपुर के लोगों में जो है इसको लेकर बहुत सारा उत्साह है, और ख़ासकर जो बच्चों में ज़्यादा विशेष रूप से है, प्लेयर में देखने किस तरह से उत्साह है और खेल को लेकर। और अभी जो है खेल ग्रामीण क्षेत्र से भी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल में जो है बहुत ज़्यादा रुचि लगते रहो, और उसी से जो है निकल के यहाँ तक बच्चे आए हैं। बच्चे के साथ कुछ गार्जियन आए हैं, उनका भी भागलपुर में स्वागत है।